जिले का स्वास्थ्य विभाग बना बैठा धृतराष्ट्र। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का दे रहा है परमिट। झोला छाप के मेडिकल स्टोर में भर्ती किशोरी की इलाज के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने दुकान के बाहर शव रख सड़क की जाम, जमकर किया हंगामा। मोहल्ला सलावत खान निवासी 14 वर्षीय किशोरी वर्षा सक्सेना को हुआ था आई फ्लू। ठीक होने के बाद किशोरी को आया था बुखार। परिजनों ने मोहल्ले में स्थित झोला छाप के मेडिकल स्टोर में रविवार शाम किशोरी को भर्ती कराया। झोला छाप ने परिजनों से तत्काल 15,000 रुपए जमा करा लिए। सोमवार करीब 11 बजे हालत बिगड़ने पर परिजनों ने झोला छाप से किशोरी को रेफर करने को कहा। झोला छाप ने किया मना। दोपहर करीब 1 बजे किशोरी की मौत हो गई। झोला छाप मौके से रफू चक्कर हो गया। मृतका के पिता ने झोला छाप पर पुत्री की मौत के बाद भी रुपए मांगने व इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। फरुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सलावत खां का है ये पूरा मामला। क्या नाम तो वीडियो बरसा। और कहाँ के रहने वाले हैं? सलावत खां के रहने वाले हैं। कितनी उम्र थी बिटिया की? 14-15 साल। अब क्या दिक्कत हो गई दादी? कब से बीमार थी बिटिया? ज्यादा दिन नहीं, आँख की बीमारी चली है, बुखार आओ। अच्छा, आँख वाली वो हो गई थी? बस बुखार हो गई, सही नहीं है। इन्हें दिखाऊंगा, इन्हें कल भर्ती कर लो। कब भर्ती किया? कल भर्ती कर लो। तुमसे जब पूछी, देखो आराम से तुम्हारे चाहे 5 बोतलें चढ़ी, 5 बोतलें चढ़ी, उनसे फिर भी कहीं ना आराम हो, तुम्हारी मैं छुट्टी कर दे। दोहराई क्यों कराए चेकअप? दोहराई चेकअप कराओ, दोहराई चेकअप कराओ, फिर भी कहीं छुट्टी। जब भी एकदम अखर भी करो, नहीं तब इन्हें कहीं 15,000 रुपया दो, इसे लेके जाओ। खत्म ही नहीं गई। कितने घंटे 15,000 रुपए मांगे? 1 बजे। 1 बजे यानी मतलब 10 बजे यानी 3-4 घंटे 15,000 रुपए मांगे। अच्छा, इनका तो मेडिकल है, यहीं भर्ती कर लिया? अच्छा, तो आज बिटिया खत्म हो गई है? आज बिटिया खत्म हो गई है। अच्छा, तो बिटिया को आँख वाली बीमारी कितने पहले हुई थी? ज्यादा दिन नहीं, सबको थोड़ी थोड़ी हुई है। ठीक है, अब क्या भाग गए हैं क्या छोड़ के? क्या नाम है आपका? नीरज। ये क्या घटना हुई आज? घटना का तबीयत खराब थी, ले आए बुखार आए रोज कर रहे। किसको बुखार आता था? बिटिया। ये कहाँ लेके आए आप? नहीं लेके आए। ये डॉक्टर क्या नाम है इनका? लक्ष्यपाल। तो क्या हुआ, क्या घटना घटी? घटना का बोलते चेकअप वेकअप करा तो जाके लेटे लेटे काम आए। जा बताइए, छुट्टी नहीं करी? जाए पैर अंदर के बंद तो जाके देते नहीं, हमारे बच गया तो तुम अपने ही जाओ। तो इनने कुछ नहीं कही। तो यहाँ पे एडमिट कर रखा था आपने बच्चे? कल से एडमिट किया था। तो क्या इलाज के दौरान मृत्यु हुई है क्या? 5 बोतलें चढ़ी और 8-9 बजे दाई आम गए, तब सही थी मेरी बिटिया। बताना है एकदम बिटिया मेरी का हुई हो, जो इन्हें बिटिया निकाली बिटिया घर बिटिया। अच्छा, बिटिया मेरी खत्म हुई है, नहीं तब इन्हें कह दे चाहे तुम लिया भर्ती करो जाए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब इनका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है? अच्छा, आप कहाँ रहते हो? क्या नाम है आपका? सुरजेश। क्या घटना हुई आज? आज घटना ये हुई, सुबह मेरा बच्चा जो है सही था, सही होने के बाद में जो है हमने कही अगर आपके बस की बात हो तो आप मुझे बताइए, ना बस की बात हो रहने दीजिए। जे बोले दूसरी अभी जांच करा रहे हैं, तो हमने ठीक है जांच करा लीजिए। तो जब बिल्कुल वो सीरियस हो गई तब वो यही बोले कि वो ऐसा आए आप दूसरी जगह कहीं दिखाइए, डॉक्टर हरदत्त खिन बताया। जब इन्होंने उसकी बिग्गो वगैरह निकाली, बिग्गो निकालने के बाद बच्चा हमारा ही नहीं खत्म हो गया था। कौन आपकी बच्ची थी? हाँ। क्या बीमारी थी? बीमारी यही थी, प्लेटें वगैरह बुखारे। कब आप लेके आए थे यहाँ पे? कल सुबह 11 बजे एडमिट किया था। हाँ। तो एक्सपायर किया यहाँ पे इलाज के दौरान हुई है? हाँ। इलाज के दौरान एक्सपायर हुई। कब हुई एक्सपायर? 1 बजे आज। आज 1 बजे एक्सपायर हो गई। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने यही कहा कि दूसरी भर्ती करिए जाके, अब उसमें कुछ है ना, दूसरी भर्ती क्या करें जाके। कोई फीस वगैरह कोई क्या कुछ डिमांड रखी? कितनी? 15,000 रुपए पहले जमा इन्होंने किया, उसके बाद और भी मांग रहे थे। और किस लिए मांग रहे थे? छुट्टी करने के। छुट्टी उससे पहले? उससे पहले ये 15,000 रुपए जमा करवा चुके हैं वो उनसे। जब एक्सपायर हो चुके तो उसके बाद में भी पैसे मांगे? बाद भी पैसे मांगे। डॉक्टर कहाँ है अभी? डॉक्टर साहब अंदर है, उन्होंने गेट बंद कर लिया अपना। क्या नाम है बच्ची का? बरसा। कितने उम्र है? 14 साल। जब दर्द हो रहा उसको शाम को छोड़ देते, बाहर हम लोग खुद दिखाते, पर जब वो मर गई तब उससे बोले कि बाहर दिखाओ, और यहाँ से भाग गए। घर वाला कोई खाने जाएगा? हाँ भैया गए मेरे।
यहाँ का ताला लगा, ये अंदर से बंद है तो इसके अंदर ही होंगे, बाहर तो निकल के जा नहीं पाएंगे। दस लावत खां देना सकते हैं। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।